कौन है ये क्रैश का सौदागर जिसने अडानी ग्रुप की नींद हराम कर दी, नींद छीन ली। आज हम देखते हैं ये हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप कौन है और उसका फाउंडर नेथन एंडरसन कौन है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये हिंडनबर्ग नाम कहां से आया? हिंडनबर्ग नाम का एक जहाज था, एक एयरशिप था, जो मई 1937 में क्रैश हो गया। और ये क्रैश का कारण था एक मैनमेड डिजास्टर, मैनमेड मिस्टेक्स। इसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई, देयर वाज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ। और हिंडनबर्ग रिसर्च ने इसे इंस्पिरेशन लेके कहा कि ऐसे कुछ कंपनीज है पूरे विश्व में जो मैसिवली ओवर वैल्यूड है, जो मैसिवली फ्रॉड करते हैं, क्राइम करते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं, जो फिर लास्ट में रिटेल कस्टमर्स को या साधारण कॉमन पब्लिक को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो फ्यूचर में फाइनेंशियल हिंडनबर्ग न हो, इसके लिए हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी फॉर्म हुआ है, ऐसा इनका फिलोसॉफी है। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी बहुत क्लियर है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, डीप रिसर्च करते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कोई भी कंपनी ओवर वैल्यूड है और ओवर वैल्यूड के साथ साथ उन्होंने फ्रॉड या क्राइम किया है, तो पहले वो रिसर्च को पक्का करते हैं, सेकंड वो शॉर्ट सेल करते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंडिंग दोस्तों, ये शॉर्ट सेलिंग क्या है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि आपके पास वो एसेट नहीं है, आपके पास वो कंपनी का स्टॉक नहीं है, पहले आप उसे सेल करते हो। सेल करने के बाद जब आप उसका अनाउंसमेंट करते हो, एक सेंसेशनल न्यूज़ मिलता है और प्रेशर आता है, जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसका प्राइस नीचे गिरता है। और जैसे उसका प्राइस नीचे गिरता है, एक रॉक बॉटम पे आता है, यहाँ पे आप उसे बाय बैक कर लेते हो। तो यूजुअली ट्रांजेक्शन कैसे होता है, बाय करते हो और बाद में उसे सेल करते हो। पहले आपने शॉर्ट मारा, आपने सेल किया, आप एक्सपेक्ट करते हो कि इसका भाव गिरेगा, रियलिटी पे आएगा, और यहाँ पे आप बाय बैक करोगे और ऐसा ये प्रॉफिट कमाता है। सो हिंडनबर्ग का मॉडस ऑपरेंडी बहुत क्लियर है कि पहले इन्वेस्टिगेट करो, फिर उसे शॉर्ट करो, फिर उसको अनाउंस करो, प्रेशर क्रिएट करो कि उसका प्राइस गिरे, और बाद में बाय बैक कर लो। सो दिस हैज वर्क्ड फॉर देम। इनका सक्सेस रेशियो कितना है, लेट्स अंडरस्टैंड। लास्ट 4-5 साल में इनका सक्सेस रेशियो 75% है, माइंड बॉगलिंग है। एंड यूजुअली जब भी वो अनाउंस करते हैं, स्टॉक्स ऑफ दैट कंपनी क्रैश में मिनिमम ऑफ 10%। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कुछ कंपनीज ही इनके क्रैश से बच चुके हैं, बाकी कंपनीज रेड में है, लॉस में है, और कुछ कुछ कंपनी माय डियर फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 99% वाइप आउट हो चुके हैं। तो दिस टेल्स के हिंडनबर्ग का मॉडस ऑपरेंडी बहुत क्लियर है, उनका रिसर्च वेल थॉट है, ऐसे ही उनका कोई एजेंडा नहीं है, दे आर डूइंग द जॉब वेल। कुछ केस स्टडीज ले लेते हैं जो हमें पता चलेगा कि हिंडनबर्ग का इंपैक्ट क्या आया था। मोस्ट फेमस केस स्टडी है निकोला। निकोला ये इलेक्ट्रिक ट्रक्स मैन्युफैक्चरर था और बीच में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ में आया था, लोगों को लगा कि हाँ अगर ईवी ट्रक में आ गया तो ग्लोबल सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता हो जाएगा, अर्थ के लिए अच्छा हो जाएगा, और उसे बहुत बूम मिला, इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ गया। लेकिन उनका एक वीडियो आया था जहाँ पे ट्रक बहुत हाई स्पीड पे जा रहा है, हिंडनबर्ग रिसर्च करके बोला कि नहीं ये एक फेक ट्रक है, ये एक फेक वीडियो है, ऐसा टेक्नोलॉजी इनके पास है नहीं, ये लोगों को उल्लू बना रहे हैं और प्राइस इन्फ्लेट कर रहे हैं। और उनका रिसर्च शायद सही निकला। लेट्स अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट। जब उन्होंने ये अनाउंस किया था तब देखो उनका प्राइस अराउंड 50 रुपीज पे था, उनके पीक पे वो 80 रुपीज पे थे। लेकिन जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अनाउंस किया कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, ये फ्रॉड है, ये शायद मैन्युपुलेट कर रहे हैं, तो स्टॉक प्राइस क्रैश हो गया एंड इट वेंट टू ऑलमोस्ट जीरो। और ये फिर आज पता चल रहा है कि एक्चुअली उन्होंने फ्रॉड किया, $135 मिलियन का पेनल्टी लगा है और उसके सीईओ को अक्टूबर लास्ट ईयर में जेल हुआ है। सो ये बताता है कि हिंडनबर्ग का रिसर्च बहुत लॉजिकल है, इन्वेस्टिगेशन में दम है, एंड दे आर वेरी वेरी टेनेशियस। एक बार वो अटैक करते हैं तो छोड़ते नहीं है। और कुछ केस स्टडीज देखते हैं। एक इंडियन कंपनी है, एंटरटेनमेंट कंपनी, जिसका हम सब ने नाम सुना रहेगा, इरोस इंटरनेशनल। और इरोस इंटरनेशनल के बारे में हिंडनबर्ग ने एक पॉइंट ऑफ टाइम में 2019 में अनाउंस किया था कि ये फ्रॉड कर रहा है। और ये जब फ्रॉड अनाउंस किया था तब इसके शेयर प्राइस अराउंड 60-70 के रुपीज के थे, और इमीडिएटली अनाउंस करने के बाद आप देखो इसका शेयर प्राइस गिर गया है। इनफैक्ट इरोस ने इसके ऊपर केस किया, लीगल चैलेंज किया, तो हिंडनबर्ग ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करके ये पता लगाया कि इन्होंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किया है। ये कंपनी जो यूजुअली मूवीज बनाता है उसमें से पैसे निकाल के अपने रिलेटिव को दिया, जहाँ पे कुछ रियल एस्टेट और कुछ काम हो रहा था। तो ये उन्होंने अपने चार्जेस प्रूफ किए और इरोस इंटरनेशनल का प्राइस एकदम गिर चुका है। जो एक टाइम पे 200 रुपये का था, आज भी इसका शेयर प्राइस 20 और 25 रुपये के बीच में है, ऑलमोस्ट लॉस ऑफ 90
20% शेयर होल्डर वैल्यू। तो हिंडनबर्ग रिसर्च में वो यूजुअली प्रूव कर देता है कि कुछ ना कुछ क्राइम हुआ है, फ्रॉड हुआ है या मैन्युपुलेशन हुआ है। और एक बहुत फेमस केस स्टडी देख लेते हैं ट्विटर कंपनी का। ट्विटर एक बहुत फेमस कंपनी है और लास्ट 12 महीने में ट्विटर में बहुत सारा ड्रामा हुआ है। जब इलॉन मस्क ने अनाउंस किया था कि मैं ट्विटर टेक ओवर करने वाला हूँ, ट्विटर का प्राइस बहुत बढ़ गया मार्केट में। स्टॉक मार्केट्स ने लगा कि इसमें बहुत एक्साइटमेंट है और हिंडनबर्ग ने अपना पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट अनाउंस किया कि ये लेवल पे हम शॉर्ट करेंगे। और इमीडिएटली जैसे प्राइस नीचे आया, वो लोग ने वो शॉर्ट को कवर कर दिया और ये डाउनफॉल में उन्होंने प्रॉफिट कमाया। जब इलॉन मस्क ज़्यादा नाटक कर रहा था कि मैं लूंगा मैं नहीं लूंगा, और जब लास्ट में कोर्ट ने उसको मजबूर किया कि नहीं आपको लेना पड़ेगा, तब उन्होंने इसको लॉन्ग किया। लॉन्ग का मतलब दे बॉट दैट एसेट, और जैसे ही प्राइस वापस बढ़ा तो उन्होंने वो लॉन्ग को कवर कर दिया, दे सोल्ड दैट एसेट, और दोनों ट्रेड्स में उन्होंने पैसा बनाया। ये क्या दर्शाता है कि हिंडनबर्ग का रिसर्च स्मार्ट है। दे नो वेन टू शॉर्ट, दे ऑल्सो नो वेन टू गो लॉन्ग एंड बाई एसेट्स, और दोनों साइड में उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। अब जनवरी 2023 में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया में मोस्ट लोग हिल गए, स्टॉक मार्केट हिल गया और अडानी ग्रुप हिल गया कि वो लोग ने एक एलिगेशन लगाया। आप अडानी का ग्रुप का ग्रोथ देख सकते हो कि स्पेक्टेकुलर वन साइड उनका ग्रोथ हो रहा था, दे वर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, और अचानक हिंडनबर्ग रिसर्च आया और आप ये मैसिव फॉल देख सकते हो। इनका जो मार्केट कैप था ऑलमोस्ट 250 बिलियन US डॉलर था, एंड अभी इट इज लेस देन 150 बिलियन डॉलर्स। तो इतना गिर चुका है, और अब ये सागा में क्या होगा, लेट्स वेट एंड वॉच, लेट अस नो योर थॉट्स। आपको क्या लगता है, विल हिंडनबर्ग बी एबल टू प्रूव कि यहाँ पे एक्चुअली फ्रॉड और क्राइम हुआ है, और अडानी ग्रुप को वो एकदम नीचे ग्राइंड कर पाएगा, या अडानी ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ एंड बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट मसल पावर हिंडनबर्ग को रिप्लाई दे पाएगा और सर्वाइव कर पाएगा। लेट अस नो योर थॉट्स इन कमेंट्स। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस ऑन बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ को सीखने के लिए, आई एम डॉक्टर बसेश गाला, मैं इंटरनेशनल बिजनेस मेंटर और कोच हूँ, और बिजनेस ग्रोथ और सक्सेस करने के लिए फॉलो बसेश गाला।